हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल गाइस। और अभी मैं फिलहाल सुबह उठ चुकी हूँ और उठ के अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और विनी जी के लिए चाय। मैंने ही सोचा कि थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे केक भी बनाना है और छप्पन भोग की तैयारी करनी है कि भाई क्या क्या छप्पन भोग में लगाने वाले हैं हम लोग। ये देखो मेरे बाल कैसे हो गए गाइस। कल हम घूमने गए थे ना, मैंने व्लॉग में डाला भी था, कल हम घूमने गए थे सिंगापुर, वो था क्या बोलते हैं उसको यार, कार्निवल। ठीक है, तो वहां पे क्या था, मतलब झूले लगे हुए थे बच्चों के, बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। और मतलब कुछ शॉपिंग के लिए भी था वहां पे, थोड़े थोड़े आउटलेट लगे हुए थे, मतलब शॉपिंग के लिए भी उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे। बट मुझे ऐसा लगा कि ना मतलब है, मतलब अगर आप नोएडा के नियर बाय रहते हो तो वर्थ इट है, और अगर आप नोएडा के नियर बाय नहीं रहते हो तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि बहुत दूर है। और दूर के साथ साथ ना मतलब नॉर्मल जैसी शॉप्स होती है ना, कि जैसे नॉर्मल जैसे शॉप्स पे सामान मिलता है वैसे ही वहां पे सामान मिलता है, और झूले वही वाले हैं जो मेले में लगते हैं, मतलब कुछ ऐसा नथिंग स्पेशल। बस वहां पे क्या है ना, ये जो थीम रखी हुई है ना उन्होंने, सिंगापुर यूनिवर्सल ये सब चीजें रखी हुई हैं, इसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, अदरवाइज उसमें कुछ भी डिफरेंट वाला था नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगा बच्चों के साथ, मतलब बच्चे खुश हुए, और बहुत दिनों के बाद हम लोग थोड़ा सा आउटिंग पे गए और थोड़ा डिफरेंट लगा कि मतलब वो हमेशा के हिसाब से हम लोग क्या मेलों में जाना कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे ना रश होता है थोड़ा सा ज्यादा, और जेब कतरे ये सब चीजें और भीड़ भड़क्का मुझे कम पसंद है, इस वजह से हम लोग मेलों में नहीं जाते हैं। मतलब बच्चों का मन करता है, बच्चों को अच्छा लगता है मेलों में जाना, बट मुझे कम पसंद है, तो फिर मैं ज्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि चलो मॉल में चल पड़ते हैं, मॉल में तुम्हें झूला झुलवा देंगे ये वो, बट बच्चों को जो चीज चाहिए होती है वो तो देखो यार मेलों में मिलती है। तो फिर इसलिए मैं बच्चों को ले गई थी कल, हम सारे गए थे, मम्मी गए नहीं थे, सिर्फ बच्चों के साथ ही गए थे। शुक्र है मम्मी नहीं गए, क्योंकि मम्मी अगर जाते तो वो ज्यादा टायर्ड हो जाते। फिर हम लोगों ने डिनर करा, डिनर करके हम घर आ गए। तो अब आज की शुरुआत ऐसे हो रही है चाय के साथ, और अब मैं फिर उसके बाद केक बनाऊंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मैं बिना नहाए धोए चाय पी रही हूँ, बासी चाय पीने के बाद मैं नहाना धोना करके फिर उसके बाद करेंगे लड्डू गोपाल के बर्थडे की तैयारी। तो गाइज यहाँ पे मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल के बर्थडे की तैयारी, उसमें मैंने जो मटकियाँ हैं इसमें माखन लगाना शुरू कर दिया है, कि पहले माखन लगा के इसको मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो डेकोरेशन करेंगे वो बच्चे करेंगे साथ में मिलके। लेकिन पहले मैंने कहा ये जो मटकी है इनको मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों से होंगी नहीं इस वजह से। और झूला मतलब मैंने पहले ही लगा दिया था, और आसन उनका लगा दिया था साइड में, और ये कुछ मैंने ना छोटे छोटे पत्थर भी रखे हैं कि जिससे वो मटकियाँ फोड़ा करते थे, तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नंदगांव वाला रिव्यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बर्थडे व्लॉग। बर्थडे व्लॉग का मतलब ये है कि आज है हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे, तो इसके लिए हम कर रहे हैं अभी तैयारी, डेकोरेशन कर रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी करके। अभी क्या मैंने थोड़ा बहुत अभी उनका आसन जो है वो लगा दिया है, और अभी डेकोरेशन होनी बाकी है। डेकोरेशन आज मैं बच्चों से करवाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे का बर्थडे है तो फिर बच्चे ही डेकोरेशन करें तो अच्छा लगता है। अब बच्चे जाएंगे नहाने के लिए, ठीक है, अभी आदि गया है नहाने, अब शिव नहाने जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों से ही डेकोरेशन करवाऊंगी सारी। थोड़ा बहुत जो है वो मैंने डेकोरेट कर दिया है, मतलब शुरुआत कर दी है, मतलब जो माखन की मटकियां हैं वो लगा दी हैं मैंने, और यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने पत्थर भी बिखेर दिए हैं, कि जैसे जो पत्थर मारने वाला खेलते थे ना लड्डू गोपाल जी, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। अभी बच्चों से जो उनके टॉयज हैं वो लगवाऊंगी, और लड्डू गोपाल जी को वैसे तो देखो सुबह नहला धुला के मम्मी ने बिठा दिया था एक बार, अब उसके बाद अब हम झूले पे विराजमान शाम को करेंगे। अभी फिलहाल उनको आसन देंगे जो उनका गार्डन है उसके अंदर, कि भी गार्डन में वो इंजॉय कर सके, मतलब थोड़ा बहुत इंजॉय कर ले, फिर उसके बाद 12 बजे उनका जन्म होगा, तब हम उनको झूले पे विराजमान करेंगे और केक कट करेंगे और मीठा वगैरह खिलाएंगे और छप्पन भोग का भोग लगाएंगे। अभी भोग की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट से आने वाला है, थोड़ा घर पे बनेगा। तो अभी बच्चे मतलब आदि आ जाता है नहा के, फिर आदि करेगा शुरुआत और फिर शिव करेगा, दोनों के साथ मिलके हम सब लोग, मतलब लड्डू गोपाल जी रहते थे नंदगांव में, और बिल्कुल नंदगांव की तरह उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो वैसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो पाएगा उतना कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छा डेकोरेट करें उसको। और एक तरफ मैंने ये थिंक ये किया, एक तरफ तो गार्डन बना लेते हैं,
और दूसरी तरफ झूले वाला सिस्टम जो उनका होगा, जैसे झूले पे विराजमान करने के लिए, झुलाने के लिए उनको उनके जन्म के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गार्डन बनाने वाली हूँ और यहाँ पे उनके 56 भोग लगेंगे। 56 भोग में जो जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब हम लोग उसको यहाँ पे मतलब 56 भोग जो यहाँ पे लगा देंगे। अभी हमने कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है 56 भोग की। अभी पहले मैं मार्केट से लेके आऊँगी, उसके बाद मैं घर पर बनाऊँगी। तो अभी आदि आ जाता है नहा के, और सेठ जी हम सब नहा लिए हैं, सिर्फ आदि और शिव बाकी हैं, फिर आपको भी उसमें ज्वाइन करते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का व्लॉग, बर्थडे व्लॉग है, बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना अच्छा बनाएंगे, और बाकी तो अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पसंद करते हो इसको। गाइज अभी तो ये वाली ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की, अब चेंज करेंगे इसको। ये हमारे छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी, ये वैसे बड़े हैं और दिखने में छोटे हैं, काम इनके बहुत बड़े हैं। और ये हैं बड़े लेकिन छोटे। तो अब इनको विराजमान करने का आ गया है टाइम, ड्रेस चेंज करने के साथ में। लड्डू गोपाल जी वाला ही है, देखो राधा कृष्ण वाला, बड़े वाले को और छोटे वाले को, मतलब ये वाली और दूसरे को ये वाली, ठीक है। सो गाइस फाइनली 12 बजने वाले हैं और लड्डू गोपाल जी का जन्म होने वाला है और सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं, छोटे बड़े दोनों नहा लिए हैं और हमारा 56 भोग भी बिल्कुल तैयार है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ उनका जन्म होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अब 12 बजते ही केक कट होगा, केक भी बन चुका है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, सिर्फ लड्डू गोपाल जी का जन्म होने का इंतजार है। 4 मिनट बाकी है, जल्दी से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो और भोग लगे, फिर हम हैप्पी बर्थडे बनाए, उसी का वेट हो रहा है। और ये हमारे यहाँ 56 भोग और ये हमारा सारा जो हमने प्रिपरेशन की है लड्डू गोपाल के बर्थडे के लिए वो सब है और सबने मिलके की है। और अब 12 बजने वाले हैं, वेट ना करते हुए जल्दी से 12 बजते ही केक कट करेंगे। सबसे पहले बजाएंगे हम थाली, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, शगुन माना जाता है,
लड़के का जब जन्म होता तब थाली बजाई जाती है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जब जन्म होगा तब हम थाली बजा के ही उनका स्वागत करेंगे। ओम जय जगदीश परमेश तुम सबके तुम करुणा के सागर के प्राणपति मैं तू। ओम जय जगदीश लाल की जय। लाल की जय। तो गाइस कान्हा जी का बर्थडे हो गया है कंप्लीट, ठीक है, मतलब बर्थडे अभी शुरू हुआ है, 12 बजे हैं। सो अब केक वगैरह हमारा कट हो चुका है, अब करते हैं खुद के पेट पूजा की तैयारी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगा है वो हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और अभी जा रहे हैं बच्चे और उनके पापा, तीनों जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर से प्रसाद लेना होता है। मम्मी का फास्ट है तो मम्मी वो प्रसाद आ जाएगा उसके बाद ही मम्मी खाएंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी। भोग लगाओ काना जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मंदिर से आने वालों का हाल, इतनी भीड़ थी, हैं भीड़ थी बहुत ज्यादा, मंदिर के बाहर रोड पे भी लाइन लगी। ओहो पापा तो भर के लाए हैं, एसी तो चलता ही। क्या क्या लाए पापा? पापा थक गए।